है क्या? ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू डिवाइड बाय वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। सर हमको लग रहा है कि हम ऐसा कुछ पढ़ा चुके हैं। उसके बाद बच रहा है हमारा डूल्स लॉ ऑफ फिटिंग, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं डूल्स लॉ ऑफ फिटिंग पे। जैसे कहीं से भी अगर करंट पास होगा तो वो हीट होगा, वो निश्चित है। करंट पास होगा तो हीट तो वो होगा ही ना। तो वो हीट कैसा होगा वो डिपेंड करता है, जैसे कि मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो मोबाइल हीट होता है कि नहीं होता है, ये तो खुद तो कर मतलब वो तो खुद देखते ही होंगे। अगर मोबाइल में को ज्यादा देर तक यूज करिएगा तो वो हीट हो जाएगा। फिर मोबाइल कहता है कि नहीं अपने फोन को स्विच ऑफ करिए, चाहे कुछ और करिए, कि आपका कैमरा बंद, चाहे आपका बहुत सारा फंक्शन स्टॉप हो जाता है अगर मोबाइल हीट ज्यादा हो जाता है तो अपने लेवल से। ओके, तो उसका कारण क्या है? करेंट का फ्लो करना। करेंट जब फ्लो करेगा तो करेंट के फ्लो के कारण जो होगा वो हीटिंग होता है। तो उसके बारे में किसने बताया था? दूर साहब ने कहा था कि अगर किसी भी वायर में अगर क्यू चार्ज फ्लो करेगा ओके, थ्रू अ पोटेंशियल वी तब उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्यू एंड वी। ये हमारा एक्चुअल डेफिनेशन है। दोनों लॉ ऑफ हीटिंग तो पढ़ रहे हैं, तो हीटिंग का हमारा एक्चुअल डेफिनेशन यही है कि अगर क्यू चार्ज वी पोटेंशियल के थ्रू जाएगा तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे क्यू वी। इफ क्यू चार्ज फ्लो थ्रू पोटेंशियल वी देन हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्यू एंड वी। अब क्यू चार्ज फ्लो करता है पोटेंशियल वी तक, तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्यू एंड वी। अब देखो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है आपका? आई टी। और वी इज इक्वल टू कितना होता है आपका? आई आर, ठीक है। तो जो अब इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? तो क्यू का मान अगर आई टी पुट करते हैं और वी का मान पुट नहीं करते हैं, आपका मान कितना हो जाएगा? वी आई टी। अब अगर वी का मान भी पुट कर देंगे तो आपका मान कितना होगा? आई टी इंटू आई आर, मतलब कि आई स्क्वायर आर टी। अब यहां से अगर हम आई का मान निकाल के पुट कर देते हैं तो आई का मान कितना होगा? वी बाई आर। इसका मान पुट करेंगे तो हमारा हीट का मान कितना होगा? वी बाई आर का स्क्वायर आर टी, मतलब कि वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ओके, ये हुआ हमारा हीट का फॉर्मूला। हीट का हमारे पास एक दो तीन बहुत सारा फॉर्मूला है। यही तो ये जो हीट का जो है, अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करेंगे वो हमको वो हम सोचेंगे। देखो सीरीज में क्या सेम होता है? इन द केस ऑफ सीरीज
बीसी सेम, करंट सेम होता, ओके तो अगर आपका पास रहेगा दो को बंद रहेगा, ओके तो पोटेंशियल इस बॉन्ड के अक्रॉस और पोटेंशियल इस बॉन्ड के अक्रॉस दोनों डिफरेंट होगा, लेकिन करंट इस बॉन्ड के अक्रॉस और करंट इस बॉन्ड के अक्रॉस दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो हम वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। उसी प्रकार से अगर कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन का होगा, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का कोई बंद होगा इस टाइप का, तो दोनों में क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। ओके तो ये तो पोटेंशियल सेम होगा, तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बी स्क्वायर बाय आर। ओके अच्छा, इसका कुछ यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। एक किलो वाट आवर में ये क्या है, एनर्जी है कि पावर है। तो किलो वाट आपका पावर का यूनिट है और आवर जो है आपका घंटा है, तो इसमें क्या है किलो वाट आवर, तो ये आपका क्या हुआ, ये पावर इंटू टाइम क्या होगा, एनर्जी। तो एक किलो वाट आवर का वैल्यू कितना होता है, 3.6 इंटू 10^6 जूल। ओके कुछ और यूनिट का देखते हैं, 1 BTU का मतलब कितना होता है, 10^55 जूल। ओके ये सब कुछ यूनिट है। अच्छा, अगर आप कोई भी बल्ब खरीदने जाते हैं तो बल्ब खरीदेंगे चाहे कुछ भी खरीदेंगे, तो वहां पे आपका क्या कुछ रेटिंग दिया होगा, तो बल्ब खरीद जाते तो वहां नहीं लिखते कि लिखा जाता कि 100 वाट का बल्ब है और 220 वोल्ट का पावर। इसका मतलब क्या हुआ, 100 वाट का बल्ब है और 220 वोल्ट का दो टाइप पावर कंज्यूम करेगा, इसे क्या समझते हैं, तो आप कहते हैं 100 वाट का नहीं चाहिए हमको, 200 वाट का बल्ब चाहिए। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 100 वाट, 200 वाट, 220 वोल्ट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बल्ब का। ओके तो बन में इतना लिखा होता है कि नहीं लिखा होता, तो इसको क्या बोलते हैं, रेटिंग दिया हुआ है इसका, और ये रेटिंग क्या है इसका, और इस बन को आप ला के घर पे लगाते हैं, तो घर पे लगाते हैं तो घर का जो अपना एनर्जी होगा सप्लाई होता है, तो घर का कुछ सप्लाई होगा 220 वोल्ट का, 250 वोल्ट का, जो भी सप्लाई होगा वो घर का कुछ ना कुछ सप्लाई होगा। तो ये हुआ आपका घर का सप्लाई हुआ। ओके तो ये पावर इसको बल्ब को मिल रहा है, यह जो पावर दो हो रहा है 220 वोल्ट 250 वोल्ट, ये क्या मिल रहा है, ये पावर, यह जो वोल्ट बताएगा कि कितना पावर कंज्यूम हुआ इसको, ये जो पोटेंशियल है ये पावर कंज्यूम बताता है। ओके और यह पावर दो डाटा, ये क्या होता है, रेटिंग पावर है। ओके तो घर में तो बिजनेस अपना होता है वो हुआ कंज्यूम, और जो उस पे तो लिखा होता है वो हुआ उसका रेटिंग, तो जो रेटिंग है ना वो आपका रेजिस्टेंस बताएगा, रेजिस्टेंस कि कितना यह करंट को होल्ड कर सकता है, कि उतना ही अगर करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा तो एक ठीक रहेगा, अगर उससे ज्यादा करंट पास करेगा किसी बल्ब के अक्रॉस जितना रेटिंग दिया हुआ है, तो बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा।
तो बर्न का फ्यूज होने का यही एक कारण है। तो अगर आप 200 वाट का बर्न डालते हैं तो वो थोड़ा देर से फ्यूज होता है कंपेयर टू 100 वाट का। अगर नॉर्मल बर्न डालते हैं तो 100 वाट का, 200 वाट का, तो 100 वाट का बर्न फ्यूज ज्यादा होता है कंपेयर टू 200 वाट का। 200 वाट का एनर्जी भी ज्यादा खींचता है। तो उसका कारण क्या है? उसका रेजिस्टेंस, क्योंकि 200 वाट का जो बल्ब होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना, क्योंकि उसका 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 ज्यादा रेटिंग दिया हुआ है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आते हैं हम यहाँ पे, देखो ये हुआ हमारा बन, ये बन का कुछ रेजिस्टेंस है हमारा आर, बन का रेजिस्टेंस हमारा दिया हुआ है। यहाँ हमारा जो है यहाँ बैटरी लगा हुआ है, इसका ईएमएफ दिया हुआ है ई, तो इसमें कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस फिट होगा। ओके, तो इसका खुद ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो बोलेगा कि कितना पावर, ये कौन सा दिया हुआ, ये सप्लाई दिया हुआ है, इट इज सप्लाई पावर। ओके, तो अब इसमें पूछे कि इसमें कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई स्क्वायर बाई सॉरी, तो पावर कंज्यूम पूछ रहा है ना, तो पावर कंज्यूम जो होगा वो किस किस के क्रॉस होगा, इसके क्रॉस होगा। हमेशा पावर जो कंज्यूम होगा वो बल्ब के क्रॉस होगा ना, तो पावर कंज्यूम कितना होगा हमारा, इसके क्रॉस हमारा करंट अगर आई जाएगा तो आई स्क्वायर आर, तो पावर कंज्यूम कितना होगा हमेशा आई स्क्वायर। तो कभी भी इसको ना वी स्क्वायर आर करके जो है इसको, ये अपना फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा। देखो फॉर्मूला बहुत होता है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा अगर ये पता हो जाए ना, तो इसकी सारी कहानी खत्म हो जाएगा। अब पूछो हम यहाँ पे क्या किए कि वी स्क्वायर पे आर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसके पहले हम आप क्या बताए थे कि जो जब भी स्क्वायर बाय आर वहां लगाएंगे जहां पे पैरेलल कनेक्शन हो। यहाँ पे क्या है, सीरीज में कनेक्शन है, ये बैटरी इसके साथ सीरीज में है, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आपका बैटरी के क्रॉस होगा और कुछ जो तो होगा बल्ब के क्रॉस होगा। तब वहां पे हम वी स्क्वायर बाय आर अपना फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, ई स्क्वायर बाय आर। और जो ई का जो मान होगा वो कितना होगा आपका, इज इक्वल टू आई आर प्लस स्मॉल आर, ये आपका ईएमएफ का मान होगा। तो यहां से आपका आई का मान कितना आ गया, ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। तो आपका जो पावर कंज्यूम होगा वो कितना होगा, ई डिवाइड बाई आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर। ओके, अब बताओ मैक्सिमम ये हो गया हमारा पावर कंज्यूम, ठीक है। तो कोई हमसे पूछे कि मैक्सिमम पावर कंज्यूम कितना होगा इसका, तो व्हाट इज द मैक्सिमम पावर कंज्यूम, तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करते हैं, तो कंस्ट्रेंट बताएं कि इसको ऐसे ही निकालें। मैक्सिमम पावर कंज्यूम जो होता है तो इसका कंस्ट्रेंट बताएंगे तो हमको बैक लेके जाना पड़ेगा। मैक्सिमम पावर कंज्यूम कितना होगा इसका, कंसेप्ट लेके जाए क्या,
मैक्सिमम पावर कंज्यूम तब होगा जब स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर के बराबर होगा, ये मतलब ये कहीं पे भी आएगा ना, तो अल्टीमेटली आपको यही इदा में करना है। इदा में पूछे कि मैक्सिमम पावर कंज्यूम कितना होगा, तो स्मॉल आर जो होगा कैपिटल आर के बराबर होगा, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होगा ना, तभी हमारा मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगा। ये हमारा क्या कहते हैं की पॉइंट है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा तभी ऐसा होगा। ओके तो क्वेश्चन जो आपका बनेगा इसी से बनेगा। ओके लेकिन दिमाग में एक बात कौन देगा कि ये कैसे आ गया, मेरे दिमाग में तो ये बात हमेशा आता है, पी इज इक्वल टू कितना था आपका ई डिवाइड बाई आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर। तो देखो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम डीपी बाय डीआर जो है इसको जीरो के बराबर करेंगे, और जीरो के बराबर करके जो हमारा जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा, यही ना होता है। अगर कोई भी चीज को मैक्सिमम चाहे मिनिमम चाहे तो क्या वर्क करते हैं, डीपी बाई डी आर करते हैं और उसको जीरो के बराबर करते हैं। अब वो मैक्सिमम आया मिनिमम आया वो कैसे पता करते हैं, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं डी स्क्वायर पी बाई डी आर स्क्वायर। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आता है मतलब ये मिनिमम आया, और अगर ये निगेटिव वैल्यू आता है तो वो मैक्सिमम आया। ये बातें याद है कि भूल गया, तो हम आपको होमवर्क देते हैं कि ये किस फॉर्म में है, ये आर दो है यू के फॉर्म में है, और ये आर प्लस आर दो है वो वी के फॉर्म में है। तो हम तो करने का कर सकते हैं लेकिन आपका काम है, अगर बाय इक्वल टू यू बाय वी होता है तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स का वी du by dx minus b sorry minus u dv by dx divided by v square, और ऐसे करके इसको जीरो बराबर करके लाइएगा। ये रहा होमवर्क, रहा ये करके हमको भेजिएगा व्हाट्सएप पे आपका आंसर कितना आता है, क्योंकि अगर स्मॉल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का मान बराबर आता है कि नहीं आता है। ओके तो वो आएगा ही आएगा, बेसट आपको निकाल के दिखाना है, आपको आपको इस चीज को प्रूफ करना है, और जो इसका ग्राफ होगा तो मैक्सिमम पावर कब होगा जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, तब ये आपका मैक्सिमम पावर होगा। ओके तो हमारा मैक्सिमम पावर का मान कितना था, कंज्यूम का मान ई बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। अब आर आर दोनों बराबर हो गया हमारा, आर इज इक्वल टू स्मॉल आर कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों बराबर है, तो हमारा मान कितना होगा ई डिवाइड बाय आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर, तो हमारा मान कितना होगा ई स्क्वायर बाय फोर आर। तो मैक्सिमम पावर जो होता है हमारा कितना होता है ई स्क्वायर बाय फोर आर होता है। ये बात कभी याद रखिएगा क्योंकि यूनिवर्सल चीज है, ये चेंज नहीं करने वाला, और जो चेंज नहीं करेगा उसको याद ही रखिएगा। ये आपको पता होना चाहिए कैसे आया, लेकिन अल्टीमेटली जो टेक्निक में जो वो सही ऑप्शन मारिएगा तो आप आंसर कैसे भी ना है उससे उसको थोड़ी कोई मतलब है, रट के ना है समझ के ना है, तो रट नहीं है उसके दिमाग में स्टोर होना चाहिए कि जब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों बराबर होगा तो हमारा पावर जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ओके यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब बर्न कॉम्बिनेशन ऑफ बर्न, अब बर्न को कंबाइन करना है ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब। तो देखो रेजिस्टेंस को हम अगर सिंपली ऐड करते हैं तो सीरीज में ऐड करते हैं कितना होता है हमारा रेजिस्टेंस का मान? R1 + R2। ओके, क्योंकि ये जो हम ऐड करें वो क्या हुआ, रेटिंग, क्योंकि बल्ब को हम सिंपली ऐड कर रहे हैं ना, इसमें कुछ अप्लाई तो कर नहीं रहे हैं, तो हम जो ऐड कर रहे हैं वो रेटिंग में ऐड कर रहे हैं। ये जो पावर जो ऐड हो रहा है वो कौन सा पावर ऐड हो रहा है? रेटिंग पावर ऐड हो रहा है आपका। ये आपका सप्लाई पावर नहीं है, ये आपका रेटिंग पावर है। जो बल्ब में लिखा हुआ होता है कि ये जो 220 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, 200 वाट का बल्ब है। ओके, तो देखो ये हमारा सीरीज में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। अब हम बल्ब को कंबाइन करते हैं, इसका पावर कितना है P1 और इसका पावर कितना है P2। इसका हमको हमारा पोटेंशियल दिया हुआ रहेगा दोनों का, ओके, तो ये सबका पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। इसका P1 का मान कितना होगा? V² / R1 और P2 का मान कितना होगा? V² / R2। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम आए तो ये दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम बर्न का कितना होता है 220 वाट का सप्लाई होता है और पावर डिफरेंट होता है। ओके, तो V² / R1 और V² / R2। तो यहां से आपका, क्योंकि ये पावर कौन सा आपका रेटिंग पावर है, दो भी चीजें रेटिंग है, इसमें हम करेंट के बारे में पोटेंशियल के बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई नहीं हो रहा है कि सीरीज में सेम करंट सप्लाई करेगा और पैरेलल में सेम पोटेंशियल होगा। ओके, क्योंकि सप्लाई नहीं, ये रेटिंग चीज है। तो यहां से आपका जो R1 का मान आएगा वो कितना आएगा? V² / P1। और यहां जो आपका R2 का मान आएगा वो कौन सा होगा? V² / P2। यहां से हमारा जो आएगा वो R इक्विवेलेंट की तरफ क्या लिखेंगे? V² / P² / P1 + V² / P2। तो सीरीज में जो आया आपका क्या हुआ, P इक्विवेलेंट कितना आया आपका? P1 / P2 / P1 + P2। मतलब कि जैसे कैपेसिटर ऐड होता है उसी प्रकार से हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन बन चाहिए। इसमें जो ऐड हो रहा है वो क्या हो रहा है? रेटिंग पावर ऐड हो रहा है, सप्लाई पावर ऐड थोड़ी हो रहा है। बर्न में थोड़ी कुछ सप्लाई किया, हम सिंपली उसको पैरेलल ऐड किए, ठीक है। तो बर्न को हमने पैरेलल ऐड कर दिया, इसका पावर P1 है भी और इसका कितना P2 भी। तो इसका पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे ऐड होता है? 1 R equivalent = 1 R1 + 1 R2। सबको याद होगा ना ये P2। अगर मैं हमसे कोई दिक्कत हुआ, मतलब लिखने में कोई दिक्कत हुआ होगा ना इसमें, तो सुधार लीजिएगा P2। और भी हाँ देखो यहाँ पे आपका P1 का मान कितना आएगा? V² / R1 और R1 का मान कितना आएगा?
वी स्क्वायर बाय पी वन। ओके, अब आर टू का मान उसी प्रकार से पी टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर टू, और आर टू का मान कितना होगा यहाँ पे वी स्क्वायर बाय पी टू, सबका मान पुट करो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वी स्क्वायर बाय पी इक्विवेलेंट, यहाँ पे वी एस बी स्क्वायर बाय पी वन प्लस बी स्क्वायर बाय पी टू, तो आपका पी की वैल्यू कितना हो गया पी वन प्लस पी टू। यहाँ तक कोई दिक्कत, इक्विवेलेंट पावर तो हुआ, बट आपकी अगर कोई भी वन को सीज में ऐड करते हैं, पैरेंट में ऐड करते हैं, तो उसका जो पावर इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा उसको निकालने में कोई दिक्कत। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे आते हैं, अब देखो अगर अगर कोई कहेगा यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, अब आते हैं टाइम का, टाइम रिलेशन। देखो कहेगा कि एक हीटर है को नेटवर्क सुनने ना, एक हीटर है और हीटर वन और हीटर टू, ओके okay? ये पानी को गर्म करता है टी वन में और ये पानी को गर्म करता है टी टू में, ठीक है, एक हीटर वन है और हीटर टू है, तो एक का टाइम ये पानी को गर्म करा टी वन में, एक पानी को करा टी टू में, तब इसमें भी दो कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक इसमें होगा सीरीज का कॉम्बिनेशन, एक होगा इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, एक सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो देखो अगर एक हीटर टी वन में कर रहा है, एक हीटर टी टू में कर रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है आपका आर वन प्लस आर टू, और इसमें कैसा होता है आपका वन बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, और हीट इज इक्वल टू कितना होगा आपका पावर इंटू टाइम, हीट कितना होता है पावर इंटू टाइम, तो वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, क्योंकि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वी स्क्वायर बाय आर का यूज कर रहे हैं क्योंकि रेडिएटिंग पावर है। ओके, तो यहाँ से रेजिस्टेंस जो होगा टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, देखो क्योंकि हम यहाँ पे आई स्क्वायर आर नहीं यूज कर सकते हैं, ये हम नहीं यूज कर सकते हैं, कारण बताए ना, क्योंकि ये रेटिंग चीज है, सप्लाई चीज नहीं है, एक ही पावर का तो बहुत सा फॉर्मूला आ गया हमारे पास, हम वैल्यू पुट करते गए आंसर आते गया, लेकिन कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज नहीं करेंगे अगर ये जानकारी हो जाए ना, तो हमारा जो दून का लॉ है उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ओके,
हम इसमें आईएस का रूल आर क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको सीरीज और पैरेलल के बारे में नहीं सोचना कि सीरीज में करंट सेम होता है पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, इसके बारे में हमको दिमाग लगाना ही नहीं है। यहाँ पे सीरीज होगा वीएस का आर इसलिए पुट करेंगे क्योंकि हमारा उसमें जो भी चीज खरीद रहे हैं उसमें रेटिंग दिया होता है कि इसका पावर ए है इसका पोटेंशियल ए है। ओके तो सब में क्या है कि यूज करेंगे पोटेंशियल दिया हुआ है और पोटेंशियल सबका सेम होता है, सब में सबका मैक्सिमम का कोई भी चीज खरीदेंगे या आइडेंटिकल चीज तो उसका चीज सेम होगा। अगर वो डिफरेंट होगा ना तब उसको इस तरह से बना निकाल के बनाएंगे, तो वहां पे हमको बी भी ऐड करना पड़ेगा अगर बी हमारा डिफरेंट हुआ तो। लेकिन जनरल केस में जो होता है बी सेम दिया होता है आपके क्वेश्चन में, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो अगर सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में जो टाइम होगा वो T1 प्लस T2 होगा, जैसे रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। और जो पैरेलल में क्या होगा 1/T1 प्लस 1/T2, ये होगा आपका टी इक्विवेलेंट। जैसे कि आप रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं उससे आपको टाइम को ऐड करना है। ओके तो इट इज अ होल एंड सोल कॉन्सेप्ट ऑफ द डुन्स लॉ ऑफ फिटिंग। डुन्स लॉ ऑफ फिटिंग का इतना ही कॉन्सेप्ट है और इतना ही पे जानना है। अब इसी के बेसिस पे अगर ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन मैक्सिमम बन जाएगा, एका क्वेश्चन का नहीं कर सकते हैं लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन बनना चाहिए। तो डुन्स लॉ ऑफ फिटिंग में कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो तो बता। इसमें कोई दिक्कत कि रेटिंग पावर क्या होता है कंज्यूम पावर क्या होता है। हेमंत कशिश इस चीज में कोई दिक्कत है ना सुशील? डुन्स लॉ ऑफ फिटिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब कन क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह से अप्लाई करेंगे। ठीक है तो चीजों को हम यही एंड करते हैं।